खूंखार वर्दीधारियों ने सहवाज को बूट से, बंदूक के कुंडों से, लाठियों से सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूदा गांव का सहवाज आपको याद होगा। यह अररिया जिला का वह सनसनीखेज मामला बनना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। आपको पता होना चाहिए कि खूंखार वर्दीधारियों ने सहवाज को बूट से, बंदूक के कुंडों से, लाठियों से, फाइट मुक्के से लिंचिंग करके मार डाला। ये पांच दरिंदा थे। ये पांचों ने बारी बारी से उनको पीटा, मारा। सिर्फ वजह यही था कि सहवाज मुसलमान था। आप देखते होंगे JSR के नारों के साथ मुस्लिम लड़कों को जिस तरीके से टारगेट किया जाता था, उनकी हत्या, लिंचिंग की जाती थी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, विभिन्न राज्यों में हमने देखा था, सुना था। लेकिन अब बिहार के अररिया जिला अंतर्गत सिकटी ब्लॉक के सिकटी थाना अंतर्गत आमगाछी पंचायत के एक 21 वर्षीय युवक को सीमा सशस्त्र बल के जवानों ने लिंचिंग किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। मेरा सरकार से सवाल है कि क्या आप तो कहते हैं अल्पसंख्यकों की सरकार है, सेकुलर सरकार है, इंसाफ की बात करता है, सुशासन की सरकार है, तो आज महीनों बीत गए और अभी तक SSP की गिरफ्तारी नहीं होना। मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूं कि आप अररिया जिला के लोगों को मूर्ख नहीं बना में। अररिया जिला के लोग आपकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है और मैं अररिया SP से ये कहना चाहता हूं कि साहब चप्पल घिस गए उन लोगों का, आपके यहां जाते आते अभी तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। आपको पता होना चाहिए जब घटना घटित हुई थी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टीम के साथ मैं वहां गया था और उसके बाद हमारे बिहार सदर अमोर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ऑन कैमरा SP साहब को फोन किया था और कहा था, SP साहब आपको इस घटना में गंभीरता दिखाने की जरूरत है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप गंभीरता दिखाएंगे। इस बात को भी महीनों बीत गए लेकिन अभी तक SP साहब घटनास्थल पर नहीं गए और ना ही सहवाज की गिरफ्तारी हुई। आज मीडिया में खबरें चलाई जा रही है लेकिन सरकार पता नहीं किस गहरी नींद में सोई हुई है। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सहवाज को न्याय मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये वीडियो के माध्यम से बिहार के उन तमाम अमन प्रस्त लोगों से जो लिंचिंग के खिलाफ है, लिंचिंग किसी की भी हो, आज एक वर्दीधारियों ने लिंचिंग करी है, अब बिहार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं नौजवान, इसलिए आपको उनके आस्था को ध्यान में रखना होगा।